अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कहीं अभी मैं आया था ऊपर चूजों को दाना वगैरह डालने के लिए, तो अभी धूप में बैठ के, वैसे धूप काफ़ी ज़्यादा तेज है, ज़्यादा देर बैठा भी नहीं जाएगा। बस मैंने उन्हें थोड़ा सा खुला छोड़ा है, तो मैंने कहा ज़रा घूम फिर लें। तो आप भी आया था खुराक डालने के लिए, तो मैंने देखा अंडा दिया है कि नहीं दिया, तो मुर्गी ने फिर आज फिर अंडा दिया हुआ था, और आज फिर एक मरतबा उसने ये छोटा सा अंडा दिया है। तो पता नहीं क्या कर रही है मुर्गियाँ। तो वैसे एक ही मुर्गी अभी फ़िलहाल अंडे देना स्टार्ट हुई है, तो वो दे रही है इस तरह के अंडे छोटे छोटे से, तो पता नहीं क्या इशू है। तो अभी बाकी मुर्गियाँ ने अंडे देना स्टार्ट नहीं किया, तो जब वो देंगे तो फिर देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। छत पे आ गया ना, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं नेचर के काफी ज्यादा करीब आ गया हूँ। एक चिड़िया यहाँ पे घूम रही है, तो वो अपना दाना वगैरह खा रही है। मेरे चूजे जो है वहाँ पे घूम रहे हैं। धूप में बैठ बैठ के तो सुस्ती चढ़ गई है। एक और दो पहले थे छोटे, तो ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा था, लेकिन अब एक और का इजाफा हो चुका है। अब हो गए हैं माशाल्लाह से एक दो और ढाई, एक दो और ढाई। चलेंगे अभी हलवा खा लेते हैं। अभी इसे गर्म करना है थोड़ा सा, 30 सेकंड दूँ के 1 मिनट दूँ, 30 सेकंड देख देख लेते हैं पहले गर्म हुआ कि नहीं हुआ, अभी देख लेते हैं। ठंडा ही है, 30 सेकंड थोड़े से और दे लेते हैं। अब ठीक है, हो गया गर्म। चमची ले लेते हैं, चमची। चलो भाई, खैर मैंने कहा था जब हम फैसलाबाद से वापस इंशाल्लाह चलाएंगे ना, तो फिर अंडों को डिजाइन करेंगे। तो अभी अंडों को डिजाइन करने के लिए मुझे चाहिए कोई मार्कर, कलरफुल मार्कर, मार्कर जो भी है तो वो चाहिए। तो बाजार जाना था लेने के लिए। अभी ये वाली बाइक तो मैं बाजार लेके जाता नहीं हूँ, तो ये वाली लेके जाने से ये थोड़ी सी खराब है, तो दूसरी बाइक मेरी आएगी, तब इंशाल्लाह ताला बाजार जाएंगे। ये भैया मैकेनिक को लेने गए हैं, तो दिखाते हैं क्या मसला है इसका। तो यहाँ से कोई चीज टूटी है मेरे ख्याल से। तो मैंने पूछा, मैंने काम वगैरह जा सकते हैं, कह रहा ज्यादा नहीं खतरनाक है, इसे और भी नुकसान हो सकता है। अभी यार कह रहे थे कि कह रहा बाजार जाना है काम से, तो मैं भी जा रहा हूँ, तो बाजार से कलर लेके आते हैं, हाथ के साथ चलते हैं। अभी चलो भाई, ये मोटरसाइकिल भी खराब हो गई हमारी। की मसला, पेट्रोल तो है अंदर। तका ला, चलो 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 लो बाहर। इसे पता नहीं क्या बना, अच्छी वाली चल रही थी, तो अभी पेट्रोल जी पता नहीं, पेट्रोल भी है टैंकी में, बंद हो गई, स्टार्ट ही नहीं हो रही अभी फिलहाल। तो मैकेनिक सामने उसे दिखा लेते हैं, शुक्र है मकान के पास आके खराब हुई है। बाइक अभी भी ठीक नहीं हुई, तो आगे की जगह दिखाते हैं जाके। और मार के कौन चलती कि नहीं चलती, चल गई है, तोड़ 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 बंद नहीं हुई। मार्कर्स कलर वाली मैं लेके आ गया हूँ, तो मैं लेके आया हूँ ये छोटी मार्कर्स, अभी आपको दिखाता हूँ एक मिनट। तो मैं लेके आया हूँ ये वाली मार्कर्स, तो ये छोटी मार्कर है, तो परमानेंट, पहले मैंने सोचा था परमानेंट मार्कर वो लूँगा, तो वो 140 रुपये की थी, तो ये मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कलर्स मिल गए हैं 80 रुपये में, तो वो 140 रुपये में एक कलर मिल रहा था, तो ये ठीक है। अभी पी लेते हैं चाय, चाय पी के फिर करते हैं कलर्स। चले गाइस, अभी करते हैं अंडों को रंग। तो अंडे मैं अपने साथ लेके आ गया था, तो ये जी मेरे तीनों अंडे, तीनों। तो अभी मैं बताता हूँ मैं एक अंडे पे किस तरह का रंग करूंगा, तो बाकी अंडे अभी डिस्कस करते हैं बैठ के। पहले तो एक बता दो मैं कौन सा रंग करना। एक अंडे पे करेंगे ये वाला कलर, तो ये काफी ज्यादा फेमस है, जो भी लोग गेम्स वगैरह खेलते हैं रोब्लॉक्स, तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा फेमस करेक्टर है, तो एक अंडा जो है इस किस्म का कलर करेंगे। तो बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, पहले ये वाला करते हैं। ये वाले कलर मैं लेके आया था बाजार से, तो अभी खोल के देखते हैं कौन सा कलर जो है हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलो इस सही तरह खोल लेते हैं, तो मेरे ख्याल में ये वाला कलर जो है ना, ये वाला दो ग्रीन है, एक डार्क ग्रीन है, एक लाइट ग्रीन, तो ये वाला कलर ये इस्तेमाल करते हैं। ये वाले अंडे को करते हैं अभी कलर, पूरा अंडा कलर करते हैं, तो फिर इसमें आइज और एक स्माइली बनाते हैं।
थोड़ा सा कर दिया कलर, बस इस साइड से रह गया, बाकी तो कवर हो गया। अभी इसे सूखने देते हैं, तो उतनी देर में बाकी अंडे हैं वो डिज़ाइन कर लेते हैं, तो फिर इसका जो है मुकम्मल करते हैं। सारे अंडे हैं वो मैंने रंग कर दिए हैं, तो अभी आपको दिखाता हूँ उनके सिनेमैटिक्स। तो ये देखिए, अभी ये अंडे जो है मैं दिखाऊंगा अपनी दादी को और अपने भाई मुनीब को, तो देखते हैं उनके क्या रिएक्शन आते हैं। अजय चक्कर। अच्छा अंडे दे ते बनाए? हाँ सही रिवार्ड का बढ़िया चीज़ बने क्रिसमस साफ करता है। क्रिसमस साफ करता है मैं नहीं, ये बेहतरी क्रिसमस तो नहीं बनाते, ईस्टर होता है वो। क्रिसमस में ईस्टर होता है, ईस्टर लगाया था वो ना था बुजी। अच्छा करो अंडे सही बन गए। चीजा करो आ देखो की है। है? नहीं ये पहले दिन इन एक अज आला वा अज आला दिता। हां हां सोने लगते है आंडे सोने हो गए। वैसे तो मेरे ख्याल से इन अंडों से चूजे वगैरह तो निकलेंगे नहीं, और इनका खाना भी क्या है इतने छोटे छोटे से, तो अंडे हैं तो मैंने कहा डिज़ाइन करते हैं, तो डिज़ाइन तो अभी हो गए हैं, तो अभी इन्हें सजा के रखते हैं अपने कमरे में या कहीं पे, तो उनके लिए अभी मुझे एक ये कहने के स्टैंड टाइप कोई चीज़ बनानी है यहाँ पर मैं इन्हें सजा के रख सकूँ, और ये महफूज तरीके से भी पड़े रहे टूटे भी ना, तो कोशिश करते हैं। एक ये मेरे पास पड़ी हुई है, तो इसके अंदर कोशिश करते हैं इनके जो है ना वो बनाते हैं जगह यहाँ पर ये अच्छे तरीके से बैठ जाए, तो बाद में कुछ ना कुछ करेंगे ताकि वहाँ से गिर के टूटे ना। अभी छुरी जो है वो मैंने गर्म करने के लिए रख दी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से ना पहले इस तरह काट दूंगा, और ये जो है एक स्टैंड बना हुआ है और इसके अंदर तीन सुराख कर देंगे और उसके अंदर अंडे रख के, तो ये एक अलग चीज़ बन जाएगी, तो ये मैंने सोचा हुआ है अभी। तो छुरी गर्म हो गई है, हो गई हमारी बहुत है, तो अभी मैं ये काट लूँ ठीक से। अभी ये दो चीज़ें मैंने काट ली हैं, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये अंदर को भी है ना, तो अंदर यहाँ पे अंडे रख के चिपका देंगे किसी चीज़ के साथ, तो ऊपर से किसी चीज़ के साथ कवर कर देंगे ताकि ये गिरे भी तो अंडे टूटे ना, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये इतना ज़्यादा नहीं, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ ये ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं, और इसे बस चिपकाना है। अब देखते हैं कि एल्फी के साथ चिपका दूँ या किसी चीज़ के साथ चिपका देते हैं इसे। गाइस फाइनली हमारा डेकोरेशन पीस जो है तैयार हो चुका है, तो ये बन गया हमारा डेकोरेशन पीस, तो ये भी साथ चिपका दिए, तो अब गिरेंगे नहीं वैसे वैसे गिरने दे, अभी वैसे गिरने वाले नहीं हैं जल्दी ये, क्योंकि नीचे मैंने लगा दिए डबल टेप, तो अच्छे तरीके से जुड़ चुके हैं उसके के साथ, तो कितने प्यारे लग रहे हैं ना यहाँ से। डिब्बे में मुझे इतने सारे कलर आ गए थे, तो सारे इस्तेमाल भी नहीं हुए, बीच में तकरीबन मुझे लगता है कुछ 6-7 इस्तेमाल हुए हैं, तो बाकी 3-4 इस्तेमाल ही नहीं हुए, तो नहीं तो मुझे फिर 40 रुपये की एक थी, तो 40 रुपये कितने पैसे लग जाने थे, ये 80 रुपये में इतने कलर आ गए और काम भी हो गया और इतना अच्छा काम भी हो गया।